نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما

वलकदैना और अलबत् तहकीक वही की हमने इलामूसा मूसा को अल्लाह तरफ से वही की गई कहते हैं रात के सफर को बेबादी मेरे बंदों को मुराद बनी इसराइल है अल्लाह तूसलम की तरफ वही की आप अपनी कौम को फिरौन से बचाने के लिए मिसर से फलस्तीन चले जाए यहां से यूं समझ लीजिए कि आपको वो वाकया सुनवाया जा रहा है जब बनी इसराइल का मिस्र से खरूज हुआ अल्लाह ने मूसा सलाम के जरिए फिरौन से कहा था कि बनी इसराइल को आजाद कर दो मगर उसने भेजने से इनकार कर दिया और मूसा सलाम एक तवील मुद्दत तक फिरौन और फिरौनियों को इस्लाम की दावत देते रहे लेकिन वो अपने कुफर पर डटे रहे तो अल्लाह ने मूसा सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र की सरजमीन से निकल सैयद ना मूसा सलाम ने इस काफले को लेकर बहरे अहमर का रुख किया आपका इरादा यह था यानी सलाम का इरादा यह था कि बहर अहमर के किनारे किनारे चलकर जजीरा नुमा सीना में दाखिल हो जाएंगे अब जब मूसा सलाम रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर चले गए जब सुबह हुई तो वहां उनमें से कोई मौजूद नहीं था यानी बनी इसराइलियों में से कोई वहां मौजूद नहीं था फिर यह देख कर गजबनाक हो गया सुरेश में इसकी तफसील आती है कि उसने अपने तमाम लश्करों के साथ बनी इसराइलियों का पीछा किया इसका पीछा करना इसके गर्क होने का सबब बन गया अब सामने समंदर था यानी मूसा सलाम और इसराइली कौम के सामने समंदर था और पीछे फिरौन अपने लश्करों के साथ था यानी हर तरफ इस कौम को मौत नजर आ रही थी ये देखकर बनी इसराइल के लोग तो बहुत घबरा गए उन्होंने मूसा सलाम को ये भी कहा कि मूसा हम तो मारे गए अब बीच में आप देखें तो कोई तफसीलात नहीं है आगे समंदर के फटने का जिक्र आ रहा है अल्लाह ताला फरमाते फदर इब्लहम फिर बना उनके लिए करीकन एक रास्ता फिल बहरी समंदर में यबसन सूखा खुश्क हजरत मूसा सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने असा को समंदर में मारा वो समंदर फट गया दोनों तरफ का पानी बड़ी बड़ी चट्टानों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया आपने देखा होगा समंदर की लहरें जब किनारे पर आती हैं और जब वो वापस जाती हैं तो वहां की जो मट्टी होती है वो इतनी गीली होती है कि अगर आप उस पर अपना पैर रखें तो वो पैर अंदर धसना शुरू हो जाता है लेकिन आप ये देखिए कि यहां जो समंदर में रास्ता बना है अल्लाह तारा फरमाते यब असन खुश्क था जैसे एक पक्का सड़क बन गया ये भी बड़ा हैरानकुन था यह असा सिर्फ और सिर्फ अजहा बनता था लेकिन इस असा की कुछ और स्पेशलिटीज भी थी यानी हजर मूसा सलाम ने इस असा को एक चट्टान पर मारा था तो इनकी कौम के लिए बारह चश्मे फूट पड़े थे और यहां आप देख रहे हैं कि इसी असा को जब इन्होंने समंदर में मारा है तो एक खुश्क रास्ता बन गया है यानी आप कह सकते हैं कि इस रास्ते में समंदर था वैसा आप देखिए तो मूसा सलाम का जो वाक्य है इसमें समंदर का बड़ा ही अमल दखल है आप बारहा समंदर के बारे में दरिया के बारे में पढ़ रहे हैं हजरत मूसा सलाम को जब इनकी मां ने दरिया में डाला तो वहां भी आपने दरिया का जिक्र पड़ा और अब आप देख रहे हैं कि मूसार्लाम अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं फलस्तीन की तरफ उनका इरादा किनारे किनारे से जाना था लेकिन जब फिरौन अपने लश्करों के साथ आ गया तो आगे समंदर में ही जाना पड़ा इनको यानी यू समझ लीजिए जो फिरौन ने पीछा किया ना इसी वजह से बनी इसराइलियों को समंदर के अंदर जाने के अलावा कोई और राह नहीं दिखी और यही रूट इनके लिए बेहतर था क्योंकि फिर पीछा करेगा और फिर उसका पीछा करना उसकी गरकाबी का सबब बनेगा अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ऐसा रास्ता बन जाएगा खुश्क रास्ता बन जाएगा लात खाफ दरकन इस हाल में कि ना तुझे खौफ होगा पकड़े जाने का किस से पकड़े जाने का फिरौन से पकड़े जाने का यानी इनको एक टेंशन तो दुश्मन का था कि वो पीछे आ रहा है तो अल्लाह तला ने ये ऐसा रास्ता होगा तुम इसको ईजीली पार करोगे तुम्हें फिरौन के पकड़ने का कोई खौफ नहीं होगा वो अला तख्शा और ना तो डरेगा यानी डूबने से क्योंकि समंदर आगे था डूबने का कोई इनको डर नहीं था क्यों नहीं डर था क्योंकि ऐसा पक्का रास्ता बन गया था अल्लाह साल ये कहना चाह रहे हैं कि तुम दुश्मन और समंदर दोनों से बच जाओगे जैसे ही रास्ता बनेगा तुमको फिरौन के पकड़ने का खौफ नहीं होगा और समंदर में डूबने का भी डर नहीं होगा तो पीछे आया उनके फिरा फिरौन। बेजुनूद ही अपने लश्करों के साथ अब आप देखिए इसको कितना गुस्सा आया था हालांकि एक गुलाम कौम थी उसके लिए उसका एक ही लश्कर काफी था लेकिन उसने अपने तमाम लश्करों को कॉल की और कहा कि सभी बनी इसराइलियों का पीछा करेंगे चाहता तो जाने देता कोई मसला नहीं था ऐसा भी नहीं था कि किप्तियों में से कोई काम नहीं करता था बहुत सारे लोग बहुत सारे पर थे चाहता तो इसकी अपनी सल्तनत अपने ही किप्ती लोगों के साथ चल सकती थी लेकिन इसने कहा नहीं इन्होंने तो मेरी इंसल्ट की है ये भागी कैसे तो इसीलिए मैं इसका पीछा करूंगा और पीछा भी अपने सारे लश्करों के साथ करूंगा अल्लाह सब ने ही इसके दिल में ये बात डाली थी अगर एक आध लश्कर भी बच जाता तो वो भी फिर जुल्म करता क्योंकि लश्कर बहुत बड़ी तादाद में फौजियों को कहते हैं अब फिर के पीछे आने की वजह से बनी इसराइल के लोग समंदर में जाने पर मजबूर हो गए और अल्लाह ने फिरौन को इनके पीछे लगाया ताकि वो अपने लश्करों समेत समंदर में गर्क हो जाए फोम तो ढांप लिया उनको मिनल यमी समंदर से मा गश्य जिस चीज ने ढांप लिया उनको अब यहां जो फगशियहुम माँ गशिय अगर आप इनको आपस में मिला दें तो ये एक मुहावरा है जो अरबी जबान में बोला जाता है कहने का मकसद यह है कि जबरदस्त लहरें थीं जिसने इनको ढांप लिया फगशियहुम मा गशिया यानी इन्हें ढांप लिया जिस चीज ने भी ढांप लिया और मारूफ और मशहूर यही है के दरिया की मौजों ने इन्हें ढांप लिया मशहूर और मारूफ मामले में इस तरह का उसलूब बयान इख्तियार किया जाता है ठीक है यानी इस तरह से बात की जाती है अब यहां आप देखिए कि मिन के अल्फाज़ आए हैं मिनल यम मिन को अगर आप सर्कल कर दें अल्लाह तला आपको यह बताना चाह रहे हैं कि समंदर के कुछ हिस्से से ही काम हो गया पूरे समंदर की भी जरूरत नहीं थी फिरौन और उसके लश्करों को गर्क करने के लिए एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही वो रास्ता बना तो बनी इसराइलियों को लेकर मूसा उस रास्ते से गुजरने लगे मूसा आधे समंदर में पहुंचे तो फिरौन समंदर के किनारे आ चुका था उसने भी अपने लश्करों को हुक्म दिया कि हम भी इसी रास्ते पर मूसा और बनी इसराइलियों को फॉलो करेंगे उनका पीछा करेंगे उनको पकड़ेंगे जैसे ही मूसा सलाम ने वो रास्ता पार कर लिया फिरौन और उसके लश्कर सब समंदर के बीचों बीच थे पहाड़ों की चट्टानों की तरह जो समंदर का पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया था अल्लाह ताला ने उस पानी को हुक्म दिया कि दोबारा से अपनी असली हालत पे आ जाओ यानी वो डायरेक्ट गहरे समंदर में ही गर्क हुए बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रहे फश्य हम मा ठीक है लेकिन बीच में मिनल यम के अल्फाज आकर आपको यह बता रहे हैं कि थोड़ा सा ही हिस्सा समंदर का फिरौन और उसके लश्करों को गर्क करने के लिए काफी था अल्लाह ताला ने बनी इसराइलियों पर तीन एहसान फरमाए एक तो फिरौनियों से निजात दे दी ठीक है सर पर खड़ी मौत के बाद जिंदगी दी यानी कन्फर्म था कि पकड़े गए तो मारे जाएंगे जाहिर फिरौन छोड़ता तो नहीं तो अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया और दुश्मन की मुकम्मल हलाकत मुकम्मल हलाकत यानी ऐसी हलाकत के अब दुश्मन सर उठा ही नहीं सकता एक एक बंदा गर्क हो गया और यह वाक्य कब पेश आया था दस मुहर्रम को अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी मुहर्रम का महीना ही गुजार रहे हैं और हमने अभी ही दस मुहर्रम का दिन भी गुजारा और उस दिन हमने रोजा रखा किस खुशी में अल्लाह तला ने मूसा सलाम को फिर से निजात दी थी और इस दिन की ताजीम कौन करते हैं यहूद भी करते हैं जो कि दस मुहरम का रोजा रखते हैं फिर नबी अक्रम सल्ला वसलम ने फरमाया कि हम मूसा से ज्यादा करीब हैं तो हम भी इस दिन का रोजा रखेंगे और हम यहूद की मुशाबत से बचने के लिए नौ और दस दो रोजे रखेंगे या फिर दस और ग्यारह मुहर्रम का रोजा रखेंगे तो ये वाक दस मुहर्रम को पेश आया था वह अब्दुल्ला फिराउनू और भटका दिया फिरौन ने अब्दुल्ला का जो लफ्ज है आसार ना मिलना रास्ते के निशान ना मिलना अल्लाह तला फरमाते हैं वह अब फिराउनू और भटका दिया फिर ने किससे भटका दिया अपने महलों से अपने इलाकों से अपने शहर से कौन अपनी कौम को व माह और ना रास्ता दिखाया पहला हिस्सा जो है इस आयत का अब फिर कऊ मह और भटका दिया फिरौन ने अपनी कौम को फिरौन का ये दावा था अपनी कौम के सामने कि मैं तुम्हें सीधी राह दिखाता हूं क्यों क्योंकि मैं तुम्हारा रब हूं फिरा का ये दावा था लेकिन उसने बर्बाद कर दिया अपनी कौम को उसने उनको, उनको उनके घरों से निकाल दिया इलाके से निकाल दिया शहर से निकाल दिया सभी चीजों से ये चले गए इनकी जो लग्जरियस लाइफ थी वो पूरी पूरी खत्म हो गई समंदर की मौजों ने इनको घेर लिया अच्छा ये भी गुमराही है ठीक है इंतकाम किसी से लेना चाहता था यानी फिर इंतकाम तो बनी इसराइलियों से लेना चाहता था लेकिन खुद डूब गया और साथ अपनी कौम को भी ले डूबा यहां जो वमा हदा के अल्फाज हैं और ना रास्ता दिखाया यानी और ना हिदायत दी कहने का मतलब यह है यानी गुमराह किया यहां गुमराही से मुराद हिस्सी गुमराही भी है और मानवी गुमराही भी है हिस्सी गुमराही क्या कि अपनी कौम को समंदर में डुबो दिया और मानवी गुमराही क्या कि इनको जहन्नुम में जा दाखिल करेगा यानी फिरौन ने कौम को हक के रास्ते पर जाने नहीं दिया हिदायत के रास्ते से हट गया और अपनी कौम को भी हिदायत के रास्ते से हटा दिया गुमराही में आगे लेकर गया और कयामत के दिन भी जहन्नुम के समंदर में ले डूबेगा अभी तो दुनियावी एतवार से एक समंदर में ले डूबा ठीक है ना और कल क्यामत के दिन जहन्नुम के समंदर में ले डूबेगा क्या सबक मिलता है इस आयत से कि अंधी तकलीफ नहीं करनी चाहिए ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो ना करें दूसरा ये कि किसी को भी अगर आप दुनिया में अपना रहनुमा बना रहे हैं अपना लीडर बना रहे हैं अपना बड़ा बना रहे हैं तो आप देख लें कि आप किसको बड़ा बना रहे हैं क्योंकि क्यामत के दिन हर इंसान अपने इमाम के साथ होगा अपने लीडर के साथ होगा अगर हमने जैसे तैसे किसी इंसान को फॉलो कर लिया जैसे तैसे किसी इंसान को अपना रहनुमा बना लिया तो फिर हमारा अंजाम उस जैसा ही होगा या बनी इसराइल ए बनी इसराइल ये उस वक्त के बनी इसराइली मुराद हैं कद तहकीजनाकुम निजात दी हमने तुमको मिन तुम्हारे दुश्मन से पहली नियमत जिसका जिक्र ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें फिरौन से निजात दी जो तुम्हारा दुश्मन था और अल्लाह ने इनकी आंखों के सामने फिरौन को गर्क किया इससे इनकी आंखें ठंडी हुई यानी जब अपने ही दुश्मन को मुकम्मल तौर पर तबाह होते उन्होंने देखा तो इनकी आंखें ठंडी हो गई ववा और वादा दिया हमने तुमको या फिर वक्त मुकर किया हमने तुम्हारे लिए जानब तूर तूर की दाए सलाम से वादा लिया था लेकिन आप यहाँ देखिये कुम इस्तेमाल हुआ है ववा कुम कुम को अगर आप सर्कल कर लें तो ऐसा क्यों वो इसलिए कि बुलाया मूसा सलाम को था लेकिन उसमें अहकामत सभी के लिए थे दूसरी बात यह कि मूसा सलाम के साथ सत्तर लोग और भी गए थे ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हजरत मूसा जब तौरात लेने गए थे तो उनके साथ सत्तर सरदार किस्म के लोग भी साथ गए थे व नजल्लाई कमुल मन न सलवा और नाजिल किया हमने तुम पर मन और सलवा ये मैदान ए तीह में बनी इसराइलियों को इनाम किया गया था और आप सब जानते हैं कि ये मैदान ती में क्यों रहे कितने साल रहे चालीस साल रहे क्यों रहे क्योंकि इन्होंने हिजरत से मुंह मोड़ा था तो अल्लाह ने बतौर सजा इनको मैदान ती में चालीस साल रखा खुले आसमान के नीचे रहते थे अल्लाह ने इनको जहां बादलों का साया दिया था वहां अल्लाह ने इनको मनोसलवा भी अता किया था मन हलवे की सूरत की एक चीज थी जो आसमान से बरसती थी और सलवा परिंदे थे जो इन पर गिरते थे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी इन पर गिरते थे कुलू खाओ मिन ही तो पाकिजा चीजों में से माँ रजक जो रिस्क दिया हमने तुमको तो ये बात से मुराद यहां पर साफ सुथरी पाकिजा चीजें और हलाल चीजें हैं वाला और ना तुम सरकशी करो फी ही इसमें यानी एतदाल में रहो अल्लाह सला ने इनको इस मामले में सरकशी करने से मना कर दिया वाला तऊ फी ही से मुराद जरूरत के मुताबिक खाओ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो देखो जाया मत करना खाकर अल्लाह की इबादत करना यानी खाकर जो तुम्हें एनर्जी मिलेगी ताकत मिलेगी तो उससे फिर अल्लाह की इबादत करना तो इनसे क्या कहा गया ही कि ज्यादा ना करो इसमें लेकिन मना करने के बावजूद बनी इसराइलियों ने इस मामले में ज्यादा की ज्यादा की एक सूरत तो यह थी कि वो इसे स्टोर करना शुरू हो गए थे इस खदशे से कि शायद ये कल नाजिल ना हो यानी वो अल्लाह पर भरोसा नहीं करते थे इसके अलावा इन्होंने इसमें इस, इस तरह भी ज्यादा की कि कुछ ही अरसे के बाद इसकी नाकदरी करते हुए दूसरे खानों का मुतालबा किया ये बात हम पीछे पड़ चुके हैं सूरत में इन्होंने और खाने मांगे थे ना कि हमसे ये रोज रोज मनोसलवा नहीं खाया जाता हमें कुछ और वेरायटी चाहिए खाने में तो खाने के मामले में हद से बढ़ जाना बहुत ही नुकसानदेह है अच्छा अगर हमें भी कोई मनोसलवा मिल रहा हो तो खुशी से खा पी लेना चाहिए बाजफा ऐसा होता है कि हम दिन के काम में बिजी होते हैं हमारा कोई अनसार हमारा कोई मददगार घर में खाना बना लेता है और एक नॉर्मल सा खाना बनाता है और हो सकता है कि एक आध दिन में वो खाना रिपीट होता हो सलवा की तरह और आप मुंह बनाए कि हम ये रिपीट खाना नहीं खाएंगे आपको अल्लाह ताला ने फारिग रखा हुआ है इस जिम्मेदारी से कि आपको पकाना नहीं पड़ता आपको कोई और पका कर दे देता है तो क्या ही अच्छी बात है आपको खाना मिल जाता है तो ये मनोसलवा ही की तरह हमारी जिंदगी में होता है हम जब नाशुक्री करते हैं तो फिर ये मनोसलवा जैसे बनी इसराइलियों की जिंदगी से चला गया वैसे हमारी जिंदगी से भी चला जाता है तो खाने पीने के मामले में हद से बढ़ जाना बहुत ही नुकसानदेह है अच्छा आप भूख को जितना बढ़ाएं उतनी बढ़ेगी आप ओवर ईटिंग शुरू करें ये वक्त के साथ बढ़ती जाती है और इसकी वजह से वेट भी बढ़ता जाता है और आप देखें कि मोस्टली लोग आज ओवरवेट हैं उसका रीजन या तो उनके शेड्यूल की खराबी है या फिर ओवर ईटिंग है या फिर सेहत का कोई मसला भी हो सकता है दवाइयों का असर भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर लोग मोटे ओवर ईटिंग की वजह से होते हैं ज्यादा खाने की वजह से होते हैं तो जितना ज्यादा आप अपनी भूख को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मामला खराब होता जाएगा आपको पता है मैदा अगर ठीक है तो सेहत ठीक रहेगी सारी बीमारियां मैदे से ही निकलती जब कौमें लज्जतों में पड़ती है ना कौन सी लज्जतें जो जबान के चटकारे हैं ना जब कौमें इसमें पड़ती हैं तो उनमें खराबी आने लगती है फिर कौमों की तरबियत और अला मकासद फरामोश होने लगते हैं और हम अपनी कौम को देख लें वो इसी चीजों में पड़ी हुई है आज आप कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया खोलें फेसबुक खोलें या आप इंस्टाग्राम खोलें मोस्टली आपको उस पर खाने पीने की रेसिपीज ही मिल रही होती हैं लोग इसको इतना शेयर कर रहे होते हैं लोग उसको इतना देख रहे होते हैं जो पब्लिक की डिमांड है फिर वही कम्युनिकेशन के जरायों पर हमें मिल रही होती है रबी अक्रम सल्लाह वसलम ने फरमाया किसी इंसान ने अपने पेट से बुरा बर्तन कभी नहीं भरा इबन आदम के लिए चंद निवाले काफी हैं, जो उसकी कमर को सीधी रखें यानी आप चंद वाले खा लेते हैं आपकी बैकबोन सीधी रहती है और अगर ज्यादा खाना जरूरी हो तो एक तिहाई हिस्सा यानी पेट का खाने के लिए एक तिहाई पीने के लिए और एक तिहाई सांस लेने के लिए मुख्तस कर दे इसे इबन माजा ने रिवायत किया है यानी अगर किसी को बहुत ज्यादा खाने का शौक है कोई बहुत ज्यादा फूडी है तो ठीक है खाए लेकिन पेट के तीन हिस्से कर ले एक हिस्सा खाना एक हिस्सा पानी एक हिस्सा हवा हमारे यहां क्या होता है पहला हिस्सा खाना दूसरा हिस्सा खाना तीसरा हिस्सा खाना और फिर उसके बाद परेशान हो रहे होते हैं कि हम इतने बोझल क्यों हो गए हम एक्टिव क्यों नहीं रहते आजकल आप बच्चों को देखें कितने मोटे होते जा रहे हैं ओवर वेट होते जा रहे हैं उसकी रीजन जब वो गैजेट्स के साथ खाना खाते हैं उनको पता ही नहीं चलता वो कितना खाना खा रहे हैं हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक हिस्स रखी है वो हिस्स ये है कि जब वो खाना शुरू करता है तो एक टाइम पर आकर उसको ये लगता है कि अब उसका पेट भर चुका है अब उसको नहीं खाना चाहिए लेकिन जब बच्चे गैजेट पर मसरूफ होते हैं कोई वीडियो देख रहे हैं कोई चीज देख रहे हैं कोई कार्टून देख रहे हैं कोई मूवी देख रहे हैं तो बस फिर वो कितना खा रहे हैं उनको माँ कितना खिला रही है उनको कुछ एहसास ही नहीं इस वजह से वो ओवरवेट होते जा रहे हैं और वैसे भी आप देखिए कि गैजेट्स की वजह से फोन मोबाइल्स की वजह से हुआ क्या है लोग जो फिजिकल एक्टिव थे ना वो भी नहीं रहे बैठे रहते हैं ज्यादा उसकी वजह से फिर वजन बढ़ता है अच्छा आप ये देखिए कि खाने पीने के मामला जब हद से बढ़ते हैं तो बात यहीं तक नहीं रुकती फिर और बहुत सारे मामला में भी बेअदाली आ जाती है मसलन फिर एक्स्ट्रा शॉपिंग करना लोग शुरू करते हैं एक्स्ट्रा कुकिंग करना लोग शुरू करते हैं इसी तरह से एक्स्ट्रा सोना शुरू करते हैं ठीक है फिर ऐसी तरह से ज्यादा थकने लगते हैं क्योंकि जब आप इस तरह की एक्टिविटी ज्यादा करेंगे तो थकेंगे सिंपल खाएंगे तो आपका टाइम हर एतबार से बचेगा आपको इतनी चीजें खरीदनी नहीं पड़ेंगी इतना आपको टाइम किचन में नहीं लगेगा और फिर इसी तरह से खाने के बाद आपको सॉर्टिंग में भी इतना टाइम नहीं लगेगा तो यहां जो इनको कहा गया कि वला तफ ही और ना तुम सरकशी करो इसमें यह बहुत ही बेहतरीन असूल इनको दिया गया था क्योंकि अल्लाह तला को इनको जिहाद के लिए तैयार करना था फलस्तीन हिजरत के लिए तैयार करना था और फलस्तीन हिजरत करने की सूरत में ऑब्वियसली वहां जिहाद होना था आपको याद होगा ना इन्होंने कहा था ना वहां तो बड़े ताकतवर लोग हैं मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर उनसे जिहाद कर लो हम तो नहीं जाते तो अल्लाह तला को इनको स्ट्रांग बनाना था लेकिन ये तो दूसरे ही चक्करों में पड़ गए तो हम सब ने भी इनसे सबक सीखना है अपने आप को एतदाल में रखना है हर मामले में और खाने पीने के मामले में खास तौर पर क्योंकि आपका खाना पीना आपकी इबादतों पर भी असर रखता है आप जैसा खाएंगे वैसी आपकी एक्टिविटीज होंगी ठीक है जैसे हलाल खाएंगे तो इबादतों का लुत्फ आएगा लेकिन अगर हलाल खाना नहीं है तो इबादतों का लुत्फ तो दूर के बाद आप इबादत करेंगे ही नहीं तो इनको ये कहा गया खुलू मिन कोई तो ये बात ही मोरजक ना कुम वाला ती ही खाओ पाकीज़ा चीजों में से जो रिस्क दिया हमने तुमको और ना तुम सरकशी करो इसमें फ वरना उतरेगा यानी इस वजह से वरना उतरेगा अलैकुम तुम पर गौ मेरा गज़ब तो ऐसी सूरत में तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा वहीं या हिल और जो के नाजिल हुआ आयी उस पर गदबी मेरा गज़ब फकत तो तहकीक हवा वो हलाक हो गया और जिस पर मेरा गजब नाजिल हो जाए तो वो हलाक हो गया क्या पता चलता है कि खाने में सराफ नाशुकरी या फिर किसी भी नेमत की नाशुक् अल्लाह के गज़ब को दावत देती है यहां जो हवा का लफ्ज है कुरने पाक में ख्वाहिशात नफ्स के लिए भी आता है वैसे इसका लफ्जी माना होता है ऊपर से नीचे गिरना मुराद दुनिया में अपने असल मकाम से गिर जाओगे दूसरी मुराद आखरत में फिर जहन्नुम में जा गिरोगे यानी अल्लाह ने जो तुम्हें दुनिया में मकाम दिया है तुम उस असल मकाम से गिर जाओगे और आखरत में भी तुम जहन्नुम में जा गिरोगे फकद हवा वह इन्नी और बेशक में लगफ्फारून अलबत्ता बहुत बख्शने वाला हूं लिमनताबा वास्ते उसके जिसने तोबा की यानी जो कुफर या शिरक या मासीत से या निफाक से बाज आ जाए वह आ आमना और वो ईमान लाया यानी दिल से ईमान ले आए वह आमिल साल और उसने अमल किए अच्छे फिर महतदा फिर राह पाई हिदायत पाई मुराद इस्तकामत पाई ये नहीं कि फिर फिसल गए एक तरफ तो गजब की बात हुई ठीक है अब दूसरी तरफ बख्शिश की बात हो रही है अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं लेकिन उसकी शर्त है पहली शर्त लेमन तावा दूसरी शर्त व आमना तीसरी शर्त वह आमिला और चौथी शर्त महतदा तोबा करनी होगी तजदीद ईमान करना होगा नेक आमाल करने होंगे और फिर उस पर जमना भी होगा इस्तकामत भी इख्तियार करनी होगी ऊपर बात हुई थी ना फकद हवा ठीक है इसका ऑपोजिट आप देखिए फतदा फतदा के कुछ माना मुफसरिन करते हैं इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसका माना है कि ये सब नेमतें अल्लाह ने दी हैं यानी ऐसे शख्स को ये बात यकीनी तौर पर मालूम हो कि जो भी नेमतें उसके पास हैं वो सब अल्लाह ने दी हैं कतादा रही फरमाते हैं कि मरते दम तक इस पर जमा रहे किस पर जमा रहे तोबा ईमान और अमल सलिह पर जमा रहे मौत तक इस्लाम के दामन से वाबस्ता रहे जैद बिन असलम ने कहा कि इसने इम हासिल किया कि इस पर अमल कर सके फिर तो महतदा का ये माना वो करते हैं कि उसने इम हासिल किया क्यों ताकि इस पर अमल कर सके इतनी आयात की तिलावत सुनते हैं फिर इनशाला आगे पढ़ेंगे يا موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى